हेलो दोस्तों, मैं हूँ विकी कार्ले और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल माँ एडिटिंग टिप्स। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है एडोब प्रीमियर प्रो के बारे में। दोस्तों एडोब प्रीमियर प्रो एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें हम सीखने वाले हैं कलर ग्रेडिंग के बारे में। दोस्तों कलर ग्रेडिंग करने के लिए सबसे बढ़िया वीडियो होता है रॉ फुटेज। पर मान लो कि आपने कोई और वीडियो शूट किया है, उसमें आपको कलर ग्रेडिंग करनी है, तो आपका जो वीडियो होता है पहले से ही कलर ग्रेडिंग किया हुआ होता है, तो उसमें अगर आप कलर ग्रेडिंग करने जाते हैं तो काफी बढ़िया तरीके से कलर ग्रेडिंग नहीं होती है। इसीलिए दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने कलरफुल वीडियो को रॉ वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर रॉ वीडियो को काफी बढ़िया तरीके से कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। तो आज मैं आपको प्रीमियर प्रो के कुछ प्रीसेट देने वाला हूँ जिसके जरिए आप अपने कलरफुल वीडियो को रॉ वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों सब्सक्राइब करने से हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों प्रीमियर प्रो एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। यहाँ पर मैंने एक वीडियो लिया हुआ है जो कि कलरफुल वीडियो है और इसमें ऑलरेडी कलर ग्रेडिंग की हुई है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा सबसे पहले वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है। सचिन कुमावत प्रस्तुत। अब दोस्तों ये वीडियो ऑलरेडी कलरफुल वीडियो है और इसमें एडिटिंग किया हुआ है, पर दोस्तों मान लीजिए ये जो वीडियो है इसमें जो कलर ग्रेडिंग है मुझे पसंद नहीं है, मैं अपने तरीके से इसमें कलर ग्रेडिंग करना चाहता हूँ। तो दोस्तों इस तरह के जो वीडियोस होते हैं कलरफुल वीडियोस, उसको कलर ग्रेडिंग करने से पहले आपको इस वीडियो को रॉ वीडियो में कन्वर्ट करना होता है, तभी आप इसमें काफ़ी बढ़िया तरीके से कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले वीडियो यहाँ पर ऐड करना है टाइमलाइन पे, फिर यहाँ पर क्लिक करना है न्यू आइटम में, यहाँ पर एडजस्टमेंट लेयर में जाना है, ओके करना है। यहाँ पर एक एडजस्टमेंट लेयर आ जाएगा प्रोजेक्ट यूनिट में, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और यहाँ पर ऐड करना है, और जितना हमारा वीडियो है उतना इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा देना है। फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कलर वाला ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करना है। कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये जो एडजस्टमेंट लेयर है इसको सिलेक्ट करना है, विंडोज़ में जाना है और यहाँ पर आपको ल्यूमेट्रिक कलर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए ल्यूमेट्रिक कलर वाला ये पैनल आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, बेसिक लिखा है यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर देखिए इनपुट लट लिखा है यहाँ पर क्लिक करना है, कस्टम में जाना है। अब दोस्तों ये चार लट है मेरे पास, ठीक है। तो दोस्तों मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक करके आप इस प्रीसेट को डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी एक प्रीसेट को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो कलरफुल वीडियो था वो रॉ फुटेज में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पर देखिए पहले जो हमारा वीडियो था वो कुछ इस तरह से था कलरफुल, अभी हमारा जो वीडियो है वो रॉ फुटेज में कन्वर्ट हो चुका है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ जिससे कि आपको पता चलेगा, पहले हमारा जो वीडियो था दिखने में कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था, जब हमने इसको रॉ फुटेज किया तो यही वीडियो दिखने में कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, यानी वीडियो में जो कलर था वो कम हो चुके हैं, रॉ फुटेज लग रहा है। अब दोस्तों कलरफुल वीडियो को रॉ फुटेज में हम क्यों कन्वर्ट करते हैं, दोस्तों समझ लीजिए कि हमें हमारा जो वीडियो है उसमें काफ़ी बढ़िया तरीके से कलर ग्रेडिंग करनी है, तभी हम क्या करते हैं हमारा जो कलरफुल वीडियो होता है उसको रॉ वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। रॉ वीडियो में कन्वर्ट करने का फ़ायदा ये है कि रॉ वीडियो में हम काफ़ी बढ़िया तरीके से कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं, इसीलिए हम किसी भी वीडियो को कलर ग्रेडिंग करने से पहले रॉ वीडियो में कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों सब्सक्राइब करने से हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे।